पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ मना कर दिया है। अदालत ने कहा है कि रैली पर पुलिस आदेश जारी करे और कार्रवाई करे। सरकार चाहे तो अपनी याचिका वापस ले सकती है। कमेटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी पर सवाल उठाना ठीक नहीं, कमेटी के गठन में सरकार या अदालत का कोई हित नहीं है। उधर किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत इस समय हो रही है। हर बार की तरह उम्मीद यही है कि कोई रास्ता निकलेगा, गतिरोध दूर होगा। अब तक 9 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है, तो पुलिस हमारी मांग पर विचार करेगी। किसान नेता ये कह रहे हैं, ये ट्रैक्टर रैली को लेकर बात है, जो कि ट्रैक्टर रैली होनी है 26 जनवरी को। किसान ये कह रहे हैं कि हम गणतंत्र दिवस की परेड को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, हम तो दिल्ली के बाहर ये ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। लेकिन अदालत ने साफ दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ये कानून और सुरक्षा व्यवस्था का मामला है, आप किसानों से बातचीत कीजिए, आप हल निकालिए। तो एक तरफ जहां आज 10वें दौर की बातचीत हो रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और किसानों के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल भी वहां पर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ किसान जो हैं वो अपने ट्रैक्टर रैली को लेकर अड़े हुए हैं और पुलिस अब रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने भी किसान नेताओं से बात की, तो दो बातचीत यहाँ पर चल रही है, दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की, और किसान नेताओं की और उसके साथ कृषि मंत्री की। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। क्या बात